लिखो डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो देखो इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं, हमने एक कैपेसिटर पहले से चार्ज करके रख लिया, मान लो है ना, मान लो एक कैपेसिटर को पहले से चार्ज कर दिया और इस पे चार्ज मान लो क्यू नोट और माइनस क्यू नोट रख दिया, कुछ भी रख दो है ना, ठीक है, स्मॉल क्यू मान लेते ना, अपन स्मॉल क्यू लिख रहे हैं ना जब से, स्मॉल क्यू मान, ठीक है। और क्या करा, अब इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया और मान लो यहाँ पे स्विच है, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज कर रहे हैं, तो एक कैपेसिटर ऑलरेडी मान लो चार्ज कैपेसिटर है तुम्हारे पास, उसको टी इक्वल टू जीरो पे क्या कर दिया हमने, रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज इसको फ्लो करने की जगह मिल गई, फ्लो करेगा रजिस्टर के थ्रू, करंट फ्लो करेगा और इधर जाएगा, और थोड़ी देर में पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, क्यू नोट इधर जाएगा तो क्यू नोट प्लस माइनस क्यू नोट कितना हो गया जीरो, तो थोड़ी देर में कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो हमको यही निकालना है, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये सारी चीज आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो इसका टी इक्वल टू टी पे बनाते हैं, तो किसी, अब ये तो टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन थी, टी इक्वल टू टी पे मान लो इस पे चार्ज कितना बचा क्यू, इस पे कितना बचा, और मान लो करंट आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टी इक्वल टू टी पे क्यू मान लिया, आई मान लिया, खुद से सॉल्व कर लोगे, एक केवीएल लगाओ, देखो दो इक्वेशन हमने जो दो इक्वेशन पहले लगाई थी, सेम दो इक्वेशन इस बार लगाना है, नहीं कर पाओगे मुझे पता है, चलो देखो नहीं कर भाई, देखो किरचॉफ से लगा दो, यहाँ से लगाते हैं तो क्या होगा भाई, क्यू आई सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, ये होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई तुम, हाँ तो आई इक्वल टू तुम्हारा आ गया क्यू बाय आर सी, ये पहली इक्वेशन आ गई, और हम जानते हैं आई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस क्यों लगाया, ये बता दिया था पहले ही, क्योंकि निकल रहा है इसमें से चार्ज बाहर है ना, करंट मतलब चार्ज कम हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव है, तो एक को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव होगा, समझ में आया ना, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, कर दो इसको डिफरेंशिएट करो डी क्यू बाई डी टी, अच्छा क्यू इक्वल टू लिख दो, अच्छा तुम आई निकालना चाहते हो क्यू निकालना चाहते हो डिपेंड करते, तो आई को अपन लिख देते क्यू बाय आर सी, देखो यहाँ से आई को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय आर सी इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय डी टी, अब फिर से क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी टी बाय आर सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू, देखो यही तो आएगा, लिमिट लगाओ, टी इक्वल टू जीरो पे कितना चार्ज था क्यू नॉट, सही रखनी है लिमिट, टी इक्वल टू टी पे क्यू है, तो कितना आ गया भाई, देखो माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू ln ln q by q naught, यही तो आ रहा है, तो e पावर चढ़ा दो, e पावर माइनस t by rc इक्वल टू q by q naught, तो q इक्वल टू आ गया q naught into e पावर माइनस t by rc, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, देखो इस बार डिस्चार्ज हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, चार्ज कम हो रहा है, तो करंट आएगा तुम्हारा dq by dt होता है करंट, तो डिफरेंशिएट कर दो इसे, q naught into e पावर माइनस t by rc into माइनस t by, नहीं माइनस 1 by rc, अच्छा हाँ यही गलती कर दी, इसलिए माइनस आ गया था ना, तो इधर पे माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, तो आई कितना है, देखो अपना आई इक्वल टू क्यू नॉट बाय आर सी इंटू ई पावर माइनस टी बाय आर सी, यहाँ पे आर सी को फिर से क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं आर सी को हमेशा, है ना, तो ये देखो तुम्हारा ये आई मैक्स बन गया है ना, आई इक्वल टू क्या बन गया, ऐसे लिख दो आई इक्वल टू आई मैक्स इंटू ई पावर माइनस टी बाय आर सी, यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना है तुम्हारा, क्यों है, क्योंकि क्यू नॉट बाई सी क्या बन रहा है, क्यू नॉट बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर ही तो तुम्हारा करंट होता है, दिख रहे हो, क्यू नॉट बाई सी क्या है, पोटेंशियल, उसको आर से डिवाइड कर रहा है वही तो करंट आया है, तो तुम्हारा मैक्सिमम करंट क्या होगा सर्किट में, वो स्टार्टिंग में होगा और वो कितना होगा, क्यू नॉट बाई आर सी, आर सी को टाउ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्राफ जल्दी बना दो, जल्दी दोनों के ग्राफ बता दो कैसे बनेंगे, क्यू वर्सेस टी और आई वर्सेस टी बता दो जल्दी से कैसे बनेंगे, क्यू पिछली बार चार्ज हो रहा था, इस बार डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसा जाएगा, स्टार्टिंग कितने से होगी, मैक्सिमम चार्ज से होगी ना, और इनफाइनाइट टाइम पे जीरो होगा, दिख रहा है ना वो, तो और चार्ज स्टार्टिंग आई मैक्स हो रही, विच इज क्यू नॉट बाय आर सी, करंट भी डिके करेगा, दोनों ही है ना, स्टार्टिंग में दोनों मैक्सिमम है इस बार, और धीरे धीरे इनफाइनाइट टाइम में दोनों जीरो हो जाएंगे ना, ये पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर करंट भी रुक जाएगा, तो दोनों ग्राफ इस तरह से आएंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में, टी इक्वल टू टाउ पे बताओ करंट कितना हो जाएगा, फाइंड चार्ज एट टी इक्वल टू टाउ, एक टाइम कॉन्स्टेंट बाद चार्ज कितना हो जाएगा, Q क्या है तुम्हारा, Q नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाय आर सी, तो माइनस टाओ बाई टाओ आ गया, ई पावर माइनस वन कितना होता है अपन ने देखा था 0.37, मतलब 37% बचा, मतलब 63% डिस्चार्ज हो गया, तो एक टाइम कांस्टेंट में चार्जिंग वाला 63% चार्ज हो जाता है और डिस्चार्जिंग वाला 63% डिस्चार्ज हो जाता है, तो लिख लो इन वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर इज 63% डिस्चार्ज।